मस्जिदां गिरफ्तारियां रखियां, फैमिली वास्ते गिरफ्तारी रखी है, दोस्त अखबाब वाले गिरफ्तारी की है। लेकिन कल जिसल मैं घर आया तो बेगम साहबा थोड़ा मूड ऑफ सी। मैं पूछा मैं जी हैरियत, उन्हें जी बाकी सारे गिरफ्तारियां हो गई, कुछ साढ़े बारे कुछ ने सोचा है? बंदा को बाहर ही जुलाऊंगा, गिरफ्तारी शिफ्तारी कराई होना आपको करांगे कहीं पास गिरफ्तारी। आपने बुफे वाली गिरफ्तारी करनी है ना? डील डन हो गई ना? तो आप फिर तैयार हो, हम चलते हैं करते हैं बुफे वाली गिरफ्तारी। डील डन, चलो। साकब इतनी प्लेट पेनो तो प्रॉब्लम मत सोचने भी, वो इतना खाना मैं कल्याण खाना ऐसे दो बंदे प्लेट शेयर करने पे। नहीं मैं तो नहीं शेयर कर रही, अल्लाह सुनने वाला। नहीं नहीं मैं करूंगी, नहीं करूंगी यार। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना सारे दोस्त अखबार पैणा पर अल्लाह ताला ने फजल करम तो शुक्र अल ठीक ठाक हो, सो है रफियत ना सो। सुबह ने होने आलमोस्ट 400 सारी ने टाइम हो गया, अपा सुनो जुलिया उन किचन च मैं जुला को सारी सूरी ने निजाम दा गेस करा ना। बाकी यकीन करो है कि कल ना दिन काफी बिजी भी गुजरिया, उस तो बाद इफ्तारी की है, इफ्तारी सुन तकी है, लेकिन इफ्तारी तो बाद क्या कुछ होया नहीं तो पता। सो दोस्त अखबार आया सुनो ना मीट अप होया, काफी ज्यादा टाइम उधर लग गया। घर वापस आया तो यकीन करो कि बेगम साहब कस्टर्ड बनाया इतने मजे ना, लेकिन रात पेट फुल सी मैं खाई मैं कोई मसला नहीं, राती नहीं तो हूँ ही सही। तो जुले ना तकने पहले कस्टर्ड बाद साफ किया जाए, पहले सैरी की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सलाम ना जवाब दियो ना बंदा। ओके सॉरी, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह चलो कोई यार, पराठा मैं पता लेस सोलेज पराठा पसंद करना। वैसे भी अगर मेरी डाइटिंग चली रही है ना, सो मैं कोशिश ये करना होना है कि पराठा वो खाया जिसने घट से घट कैलोरीज में। अला ये दसो है कि वेरीज और कस्टर्ड कुछ होगा पर कस्टर्ड नहीं पाए, लोग चेक कराना ये ना, चेक कराना तो ज्यादा हो सी है ना। ओ हो प्रणव प्रो, माशाल्लाह माशाल्लाह। रात में थोड़ा बहुत चखिया सी, डूंगा पड़ा हुआ सी, लेकिन आई थिंक कुछ ज्यादा चखी उड़ा। चल झूठा। बहरहाल मैंगो फ्लेवर ना कस्टर्ड सी है, तो याद हो कल समानी बेकर पर गए उसका फ्रूट केक भी आनी तो कर दिता सी, उस फ्रूट केक ना कमाल है। सो बेगम से मैं पराठे में कितने देर है? चलो फिर पहले पराठा ही खाने, उस तो बाद फिर कस्टर्ड पराठा साफ किया जाती है। आ गया जनाब थोड़ा गर्मा गर्म परौंठा, बाकी चाय शाह वेचने फिर इंशाल्लाह पराठा चिकन है, उस तो बाद कस्टर्ड खादा जैसी है इंशाल्लाह। मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड वैसे मजे ना होना। रमजान की कोशिश करा करो कि अफतारी सुबह कोई ना कोई स्वीट डिश लाजमी होनी चाहिए, अगर अल्लाह ताला सुन तौफीक दी, अल्लाह ताला सारी तौफीक दे, और इंसान की बॉडी वास्ते बहुत जरूरी है, क्योंकि दाढ़ी पूरी दसों की रोजा होना है, तो शामिल जितने पानी पीने उतने थोड़े बहुत मिठे ने इनटेक भी रखा करो, ताकि सू शुगर ब्लड प्रेशर दो लैवल हो जाए। समझ रहे हो? प्रणाम प्रो, पता नहीं क्या वजह, हल्की फुल्की जी सैरी करो फिर भी उस बाद नींद रह जानी है। पर मैं बिल्कुल सुना नहीं है जी, नमाज पढ़ा पहले नमाज पढ़ी फजर नहीं, उस तो बाद थोड़ी देर रेस्ट कर सा ना, इतनी तगड़ी सैरी करे तो फिर रेस्ट करना है तो बनना ना। Much, much, much later. अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखा करोड़ों दरूद सलाम हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुनानी आल पर। मौजूद नाज़रीन से तकनीय कश्मीरी बैठक ते मैं सुना मेज़बान साकिब नवाज़ कश्मीरी। उम्मीद करना सारे दोस्त अखबार पेड़ा पर अल्लाह ताला ने फजल करम तो शुक्र नाल ठीक ठाक हो, सो खैर वफियत नाल हो, सो आपनी जिहड़ी जिंदगी है ओ अहसन अंदाज़ नाल गुज़ारने पे हो। सो माशाल्लाह जनाब दिन इंतहाई खूबसूरत है, निकल उसनी वजह आया कि चढ़ पे और एक्सपेक्टेड है कि आज शामी बारिश होसी है। मैं इतनी एक जोर नाल एंजॉयमेंट भी अच्छी इतने खूबसूरत जे मौसम की तकी तो बोलिया कि निका मस्जिद जाना सी, मैं तकी तो खली रहा। खैर कोई नहीं, बैक टू नॉर्मल सारिया चीज़ा। पापा सुना तैयार शहर हो गया जनाब, बेहतरीन जी सहरी की है, तो सवेरा जिला उठिया नमाज वास्ते मैं, मतलब फजर नहीं नमाज पढ़ी तो सुता सा ना, जोर ही नमाज वास्ते है, बाहर तक मैं इतना प्यारा मौसम में है जी, अज तक बाहर उठना तो फिरना थोड़ा बनना ही है ना। सो तैयार हो गया ना, अज एक बड़ी खास जी गल भी आया उसको कि क्या जुलते बासा आया, बल्कि थमने तुम्हें पहले पता लगी जाना, लेकिन मैं दसूँ कि क्या जुलते बासा ना। पहले चैनल सब्सक्राइब करो, अगर फेसबुक यूजर तो वीडियो के लिए शेयर करो, तो टिकटॉक पर अगर अजे थोड़ी फॉलो ना किया वा, डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है, उतने भी जी फॉलो करी उड़े और गल बात आनियाँ, लेकिन उस तो पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग। Yeah.
वेलकम हुई केरी सो सारे की नवे ता खूबसूरत जे किस्म ने व्लॉग ने अंदर ता खूबसूरत जे मौसम विचो माशाल्लाह पेनो ता प्रो लहलहातियां चहचहातियां फसलां सामने नीचे मंगला डैम ता इधर अपना रोस पड़ोस इंतहाई खूबसूरत माशाल्लाह बड़े दिनों से बाद इधर मैं ब्लॉग शुरू किया मैं चलो आनी मरने की दसी उड़ा ना बाकी स्टोरी कुछ इस तरह नहीं है जनाब के गुज़िश्ता दिहाड़े माड़े इतने बिजी गुजरे जिसने कोई अंदाजा नहीं है मस्जिदां भी इफ्तारियां रखियां फैमिली वास्ते भी इफ्तारी रखी है दोस्त अहबाब वरना भी इफ्तारी की है लेकिन कल जिसमें मैं घर आया ना तो बेगम साहबा ने थोड़ा मूड ऑफ से मैं पूछा मैं जी हरियत उन्हें जी बाकी सारे नाल इफ्तारियां होगी कुछ साढ़े बारे से कुछ ने सोचा बंदा को बाहर इंजो लाऊंगा इफ्तारी शफ्तारी कराई होना मैं जी गल भी चलो जबरदस्त है फिर मैं सर्चिंग शुरू की मैं जी कड़ी इफ्तारी कोई है जी कोई वी आई पी जी इफ्तारी सो पेड़ों तो प्रोसों की पता है कि खिता आजाद कश्मीर सड़ा जड़ा ना हो इतना ज्यादा डेवलप तो नहीं होया कि ऐसा कि ये जी कोई बुफ वाली तगड़ी इफ्तारी करनी है फिर असं की जाना पैना है पिंडी इस्लामाबाद मैं अड़कुन इस्लामाबाद जासी फिर मुरसी रोज बंदे ने बस हुई जानी है तो मैं सर्च सर्च करना शुरू किया अगर पीछे मैं अच्छी इफ्तारी कुछ की जाए पहले मेरे पर ना प्लान बनाया फिर मैं सेम एज यूजुअल वापस अच्छे तक अद्धी रात पी जैसी लेकिन फिर फेसबुक खोली जनाब तो हमारे सामने आया आए पंफलेट नशेमन रेस्टोरेंट साढ़े कोल ही है जिथे सोने पापे का ब्याह होया सो उन्होंने भी बेसिकली बुफे एक मुतारफ कराया 35 डिशा पर मुश्तमिल बल्कि इस तू ज्यादा आने नौसन है सो वो तक मड़े मुँह पानी आ गया मैं इसकी प्रोग्राम यस करने अजय सोच विचार लगा वा तो मैं एक और उन्होंने स्टोरी तक की वो सामने आएगी ना पता एक तक तो दूसरी सामने आई जानी है कि उन्होंने 20% ऑफ ही लाया हुआ मैं साकब साहब चलो डन हो गया पैसे भी बचन तो बेगम साहब भी खुश हो जा सन अभी मजा आएगा ना भिड़ो स्वाद इंशाल्लाह उतर जुसाया लेकिन उससे पहले आके उन एक ना बेगम साहब भी बाड़े लेते नहीं होनी है उन्होंने कहते ये बासा कि मैं जो लिया तुम की स्पेशल जो लिया स्पेशल जो लिया डिस्काउंट वाली गल कट्टी ओड़ो सो जुले अंदर तो पूछने को तैयार हो नहीं कोई नहीं बेगम साहिबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ठीक हो खैरियत है नो क्यों आप रोज बाहर इफ्तारी करते हैं मुझे आपने प्रॉमिस किया था यार आज लेके चलूंगा ना फ्रेंड का प्रो को गला करने आज आपको इफ्तारी बुफे पे हां तो बुफे पे लेके चलूंगा और बताएं तो इतना तो खर्चा कर सकता हूं यार कोई इतना भी बड़ा मसला नहीं इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद कौन कह रहा है कि चलें आपको करांगे कहीं पास इफ्तारी आपने बुफे वाली इफ्तारी करनी है ना डील डन हो गई ना तो आप फिर तैयार हो हम चलते हैं करते हैं बुफे वाली इफ्तारी डील डन चलो बाकी बना तो प्रो डील तो डन हो गया सो बाबा थोड़ा थोड़ा तैयार होना है डैड को भी ले चलते हैं ना पूरी फैमिली गैदरिंग हो जैसी ना सो उन्हें की पूछने करो इजी तो उन्हें नाल जुलने तो फिर जुलने तक अफतारी ने सीन डन करने टाइम पांच हो गया माशाल्लाह पेनो तो प्रो मौसम बिल्कुल बारिश वाला होने ला सर जी अस्सलाम वालेकुम ठीक हो हरियत है बादशाह ने क्या स्टोरी है बड़ी दसी भी है चलो तो शामी को इजी हो बिजी हो ठीक है शामी जो बार अफतारी है इंशाल्लाह बार करते हैं ओके ठीक है अब पता नहीं क्या वजह सारे काले काले कपड़े क्या लाए हुए हैं बार मैं भी लाया हुआ वाले सब भी लाया हुआ तो बेगम साहब इस तरीके काला ही करने से लगे हुए खैर आज उसके काले नहीं थी मैं बाकी जूस चाहिए ना पर हमारे अंकल आए थे अस्कर साहब उन्होंने कौन सी मिलन आया तो मैं उधर जुला उन्होंने मिली शायद रात जूस आते सर ये भी सारे ग्राने ट्रेडिशन होनी ना कि किसी मिलने से ज्यादा कुछ ना कुछ खड़ना चाहिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्टोर ए पार सामने उन्होंने कोठी है ऐद ऐद नजर आई है ऐद अल्हम्दुलिल्लाह जी नेक्स्ट स्टोर हुई है यहाँ नेबर्स ने करूँ सो बाकी स्टोरी है कि बेगम साहबा अब चलें घर यू गेट रेडी सो चलो ये चंगा होया आन गमान कोई ना कोई आई गया हूँ थोड़ी बहुत रौनक शौनक लगी रहा करती है तो बाकी जुले घर क्यों अच्छा चले ठीक है तैयार शेयर हुई जाओ मैं तो सवेरे कह रही मुँह तो यहाँ दिहाड़ी पूरी उससे चमका जी रहना आपको बाद ही मिलने बाद ही मिलने अलहमदुल्ला जी नमाज पढ़ी कहती है असर नहीं तो मैं तो तैयार हुई गया एज यूजुअल माड़ा के आना मैं बया एक बार छट्टा मारो तो बस तैयार तैयार बेगम साहब अजय तैयार नहीं हुए सो तैयार होने वाले साहब भी तैयार हुए थे बाहर निकलते सन पता नहीं कुधर गए तो माशाल्लाह हल्किया हल्किया कड़ियाँ भी ले ली पियाँ ने सुबहान अल्लाह मैंने इस तू अच्छा और कड़ा मौसम हो जाए फैमिली नाल इफ्तारी भी करो है नाल बारिश भी इंजॉय कर सा सो चुले बाहर लेकिन बेगम साहब भाई साथ फिर जुसा सोचने उन्होंने फिर बहने गड्डी टाइम तकरीबन घंटा बाकी है जिम्मे इफ्तारी की बल्कि घंटे से ज्यादा ही है जिस आपू भी इफ्तारी इंजॉय करते हैं दस सके क्या सिस्टम है क्या सीन है फिर तुम जो बंदा मैं उसका इफ्तारी पर बुलाना चाहना मैं हाजिर लेकिन पहले सौ चेक करा था जनाब गड्डी स्टार्ट करने तो बाकी बेगम साहब यू रेडी चलो बस मिला मैचिंग मैचिंग है ब्लैक ब्लैक वाह 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 तो बहने वैसे चलो माड़ा भी ब्लैक हो गया तो बगैर वक्त जाए कितने सीधे पहुंचने छे महीने जल्द मिले उसे
दोनों तो ब्रो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ऑन टाइम असर पहुँचे हैं अलनशेमन रेस्टोरेंट। सो मौसम भी इंतहाई प्यारा, बाकी वाला साहब भी उम्र पाए। सो ये बेसिकली ओनर भी आते तकड़े सुनने भी हैं सारा कुछ, बाकी फैमिली हाल। वैसे बाहर भी ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग बनाई हुई सी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौसम आ चुके थोड़ा बहुत चेंज हो गया ना, इस वजह से मामला अग्गे पीछे हो गया। बाकी साढ़े कई दोस्त अहबाब सारे इतने मौजूद हैं, वाम ने किसी भी वैसे तदाद होनी है इतना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो, खैरियत है? ठीक है और ठीक हो सच्ची? ठीक है। अरे बारिश इंजॉय हो रही है हमेशा, आज ने इफ्तारी बाहर उसी ये गल। चलो बाकी बेसिकली सिटिंग है इसकी पार्टीशन में डिवाइड करी उन्होंने पर जेंट्स वास्ते तो और फैमिली वास्ते। सो असं तो जंदर ही बहने का फैसला किया, साड़ी किस्मत बाहर बहना नहीं सी ना अज इस वजह से। बाकी जुले अंदर बहने रोजे खुलने की भी टाइम थोड़ा रही गया, तो दस दें कि मेन चीज़ जिस पर माड़ा हमेशा फोकस होना वो है फूड। सो आई लेट यू नो अबाउट द फूड इंशाल्लाह। पहले मेरी प्लेट में डालेंगे अपनी? एक प्लेट में डालें, अलग अलग डालना नहीं है, थोड़ा सा ले मैडम। ओके बाकी चटनी ना हो तो फिर तो केचप और चटनी चिली सॉस मुझे लेनी है। डाल दें यू ऑन दिस? मुझे नहीं डाला आपने सॉस चिली बस। थैंक यू दस ना। चलो तो मेरे दो फोन भी पकड़े हुए हैं, देखिएगा प्लेट ना गिर जाए मेरी। मेरी प्लेट तो बहुत एक्स्ट्रा फुल हो गई है, चीजें ज्यादा है ना। चलो बेगम साहिबा लेट्स गो। तो ब्रो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सारी प्लेट आई चुकी है, थोड़ा थोड़ा सा कोशिश की है कि सारी चीज़ें ही ट्राई करें। सारी नहीं हमने फिर भी ली, बहुत ज़्यादा है। चलें बाकी खाना बाद में खाएंगे, अभी टाइम थोड़े रह गए, सबसे पहले इंतजार करते हैं रोज़ा खुलने का इंशाल्लाह। माशाल्लाह पिंड ब्रो हूँ आ गया खाना नमाज तो बाद। स्पेशल आपके लिए लेके पिज्ज़ा चाहिए, ये तिक्का बोटी है, ये सीख कबाब है, फिश और ये पिज्ज़ा है। ठीक है चलो बाकी उन्हें इंजॉय करो, उसके बाद मिलता है। साकब इतनी प्लेट पेड़ों से प्रॉब्लम तो सोचने भी हो, इतना खाना मैं कल्याण खाना इस दो बंदे प्लेट शेयर करने पे। नहीं मैं तो नहीं शेयर कर रही, अल्लाह सुनने वाला है। नहीं नहीं मैं करूँगी, नहीं करूँगी यार।
अलहमदुल्ला जी पढ़ो तो ब्रो जबरदस्त है, किसम ने इफ्तार भी हो गया, उस तो बाद खाना भी खादा। हूँ मैं घर तैयारियां करना सा, लेकिन मैं जितना अच्छा ना हमेशा कोशिश करना होना कि तुम भी थोड़ा बहुत उस जगह के बारे में दसी होना है। सो जो बंदा इस जगह की डील कर रहा है सारा कोई तकी सुनी रहा है ना, उस तो बेहतर तुम कौन दस सकना। सर मौजूद है मेरे हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। जनाब ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। रमजान शरीफ कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। चले माशाल्लाह, आज हमारा भी बड़ा अच्छा हो गया, बड़े जबरदस्त किस्म की इफ्तारी भी की और खाना भी जबरदस्त था। अच्छा मुझे काइंडली ये बता दें, वैसे तो मैंने 20% का वो पंपलेट आपका देखा था, तो उसके अलावा वैसे क्या कुछ प्राइस चल रही है? वैसे 2500 हम पर हेड ले रहे हैं बुफेट का ना। ठीक है। उसके अलावा ये कि हमारी फिलहाल जो रिसेंटली एक ऑफर चली है 20% ऑफ की, क्योंकि वो निशेमन की एनिवर्सरी थी जी, उस भी आपके मैंने 20% ऑफ लगाया हुआ है। ठीक है, उसकी ऑफर चल रही है, लेकिन वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह खत्म होने वाली, क्योंकि एक दो दिन उसका टाइम है, एक दो दिन के अंदर वो एंड हो जाएगी। उसका अभी ऑफर चल रही है, जैसे ही वो इंशाल्लाह एंड होगी उसका मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा कि ये ऑफर एंड होगी। दूसरा मुझे ये बता दें कि अफतारी के लिए पहले से रिजर्वेशन करना लाजमी है या ऑन द स्पॉट भी कुछ अरेंजमेंट हो जाती है, बाद बंदा लेट हो जाता है कुछ इस तरह का? सर उसके लिए कि अफतारी का रिजर्वेशन कन्फर्म है, क्योंकि रिजर्वेशन के लिए ये होता है कि जब आप रिजर्वेशन करवा लेते हैं तो आपकी वो स्पेस कन्फर्म हो जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ वॉकिंग गेस्ट आ जाता है, जब वॉकिंग गेस्ट आए तो वो थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा हो जाता है, फिर आपका अगर स्पेस ना मिले तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। जी बिल्कुल। उसके लिए ये जरूरी है कि अगर आप पहले से रिजर्वेशन करवा लेंगे तो एक बहुत अच्छा आपके लिए अरेंजमेंट हो सकता है। थैंक यू। बाकी पहले तो प्रो मैं नंबर सुनाना कि डिस्क्रिप्शन दी उठा है, सो जो ये शराब आता है नंबर पर कॉल करी, मैं भी कॉल करते आया सही कि सोसा भी कॉल करते अच्छी सकने। बाकी जुल्ला कार तक काजली मिलना है। अलहमदुल्ला जी पढ़ो तो ब्रो बाबा सोना कार पहुंची है, तो बाहर बड़ी बेहतरीन जी किसम की बारिश हुई है, और तुम्हें पता ना जिला बारिश होनी है, अल्लाह सोना बाबा कितना खुश हो जाना है। सो आज वह खुशी है हमारे चेहरे पर, इसलिए लटकी रही है माड़ा मतलब चिपकी रही है या मतलब चेहरे पर खुशी है। तो एक्सप्लेन करी गए इसकी कहड़ा लफज आखना है। सो अलहमदुल्ला अफतारी हुई है बड़ी जबरदस्त किस्म की, प्लस खाना भी वी आई पी सी है। सो 2500 रुपये बच्चे मैं समझना कि सही बेहतरीन चीज़ है। हूँ ये पैसे ये खाना तुम कि इस्लामाबाद भी लभी जैसी है, लेकिन माड़ा जाती ख्याल है कि रस्ता लंबा, तो जिस जिस इस्लामाबाद से वापस घर पहुँचने होना या तो उसे बाहर चढ़ाया हुआ उसी या खाना हजम होया हुआ उसी है। तो नेक्स्ट डेज बच्चे इंशाल्लाह दोस्तों बाबा फिर कुदरे कुदरे गैदरिंग रख सा फैमिली ना, तो पहला दौरा सी ना जरा मैं देखिए ऐसे ऐसे यूज टू करी रहा था ना, सो फिर जल्द मैं यूज टू ही फिर का सब कुछ जुलसा। बाकी मुझे जल्दी मुलाकात उसी नई वीडियो नए ब्लॉग तब तक वास्ते फी है मान ला।